नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरे पीछे ये गाड़ियाँ देखिए, यही वो रोड शो है जो जिसमें अमित शाह सवार होंगे। ये गाड़ियाँ आगे आगे चल रही होंगी और ये जो बीच वाली गाड़ी आप देख रहे हैं इस पर अमित शाह होंगे। ऊपर लोहा का एक बैरेट भी लगा है और नितिन नवीन जो विधायक हैं यहाँ वो तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। नितिन नवीन जी, कैसी चल रही हैं तैयारियाँ? पूरी पटना में उत्साह का वातावरण है और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक पटना का ये रोड शो होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अमित शाह जी के स्वागत में पूरा पटनावासी ठाकुरबाड़ी कदम कुआं के लोग उस ओर निकल पड़े हैं। मुझे लगता है कि आज का शाम पटना के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। आप लोगों के कंधे पर बहुत मजबूत जिम्मेदारी दी गई है, पूरी तैयारी जो आप ही लोग देख रहे हैं, कैसा? देखिए, पार्टी का कार्यक्रम होता है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगते हैं, अलग अलग जवाबदेही में सबको लगते हैं और मुझे मेरा मानना है कि सब सामूहिक प्रयास से सफल हो पाता है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर के सामने से ये रोड शो निकलने वाला है। उनके पूरा क्षेत्र मेरा है, तो बाकी पूरे विधानसभा के विधायक हैं तो मेरे क्षेत्र से निकल रहा है, ये आप क्यों नहीं सोच रहे? अच्छा, और जिनका निवास स्थान आप बोले तो मेरा भी निवास उसी बगल में, रविशंकर जी का भी निवास रहा है। हाँ। फिर मोहानी हम लोग का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा। हाँ। है लेकिन तो, टक्कर शत्रुघ्न सिन्हा से आपकी? शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो गए। हाँ। हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी वरिष्ठ नेता हो सकते हैं पर जनता आज का विश्वास आज खो चुके हैं, तो निश्चित रूप से किनके बगल से गुजरा ये विषय नहीं है, पटना के सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है। चलिए, नितिन नवीन जी ने हमारे लिए वक्त निकाला, अब हम आपको नज़ारा दिखाते हैं उन गाड़ियों का जिसपे सवार होंगे अमित शाह। तो हमारे साथ नितिन नवीन थे जिनने अमित शाह के रोड शो को लेकर तमाम जानकारियां हमें दी। इस रोड शो को लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, लाइव सीरीज भी पूरी तरह से तैयार है कि कैसे इसकी सबसे बेहतरीन कवरेज आप तक पहुंचाई जा सके। आप बने रहें हमारे साथ और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सीरीज.in हमारी वेबसाइट पर भी जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।